आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आदि, कल रात को मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन क्या गड़बड़ लगी थी बेटा? डैड चलिए सर छाया को फॉलो करना है। एक सेकंड सभी, वो क्या गुड़िया? वो सर्प आदि है। आदि है आदित्य। इस खाल का रंग नीला है, हो ना हो ये दिव्या की है। तो क्या इसका मतलब है दिव्या सच में घर के अंदर आई थी? अब आई होगी तभी तो ये खाल घर के अंदर आई है भाभी। लेकिन पापा आपने तो कहा था कि वो सर्प रक्षा कवच तोड़कर अंदर नहीं आ सकती। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो कैसे हुआ। हम सब भूल रहे हैं माँ सर्पिका के साथ साथ एक रीवावंशी भी है, जरूर उन्हें ये कवच तोड़ने का तरीका पता होगा। जो भी है, अगर दिव्या इस घर में है तो ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। हमें बहुत जल्द उसे ढूंढना होगा। ईशान जी, लेकिन हम उन्हें ढूंढने का कहा, क्या पता कि वो कहाँ है? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि दिव्या जी घर में है या बाहर। नहीं पता तो पता लगाएंगे सर्प छाया की मदद से। सर्प छाया? सर्प छाया से हमें पता चलेगा कि ये खाल किस सर्प की है और अगर वो यहां है भी या नहीं। ये लिक्विड तैयार हो गया, अब इसे हमें घर के हर जगह डालना है। देखो ना अविनाश, डायन, एकायन, दुकायन, छलायन और अब सर्प छाया, ये सारी काली शक्तियां हमारे घर में वर्ल्ड टूर कर रही क्यों आती हैं? निशान जी, हो गया। बाबा ये सर्प अस्त्र है ना, जिससे सर्पिका को कंट्रोल किया जाता है। हाँ गुड़िया, ये वही अस्त्र है। अगर दिव्या यही है तो उसे रोकने में ये हमारी मदद करेगा। डैड, हो गया। सभी पीछे पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। ये तो सर्पिका की छाया है। और अब ये सर्प छाया हमें बताएगी कि जिस सर्प की ये खाल है वो यहां है या नहीं, और अगर है
तो कहाँ है? क्या हुआ आदि, क्यों इतना अनकंफर्टेबल हो रहे थे? चलो तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आता हूं। डर क्यों रहे हो आदि? पापा है ना तुम्हारे पास, भूख लगी है क्या तुम्हें? तुम्हें भूख लगी है? भूख? रो क्यों रहा है? ये सर्प छाया हर उस जगह से होकर गुजरेगी जिस जगह से वो सर्प गुजरा होगा। इसका मतलब दिव्या हमारे घर में आई थी? ये जरूरी नहीं है वेत्री जी, इसका मतलब ये है कि जिस सर्प की वो खाल है वो सर्प इस घर में है। निशान जी, ये भी तो हो सकता है कि वो सर्प इस घर में हो ही ना, जा चुका हो। डैड, ये सर्प छाया बाहर नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि वो सर्प अभी भी इसी घर में है। या? सर्प छाया, हमें उस सर्प की तरफ लेकर चलो। चलिए मेरे साथ। ये सर्प छाया तो अंश के कमरे में जा रही है। हे भगवान! क्या हुआ गुड़िया? वो आदि इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि वो सर्पिका से डर रहा था। आदि, कल रात को मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी लेकिन। क्या गड़बड़ लगी थी बेटा? डैड, चलिए सर्प छाया को फॉलो करना है। एक सेकंड सभी, वो क्या गुड़िया? वो सर्प आदि है। आदि है। क्या मुन्ना? हाँ, हमारा मुन्ना साहब। इसका मतलब है कि अंश की जान खतरे में। चलो अंश। आदि, आदि नहीं रोते हो क्या बेटा? आदि, डॉक्टर को कॉल करने से कोई फायदा नहीं होगा। अंश को एक सर्प ने डसा है। बाबा, जहर फैल रहा है। मैं जानता हूं गुड़िया, हम लोग सोच रहे थे कि दिव्या सर्प रक्षा कवच को तोड़कर घर में कैसे घुस आई, लेकिन दिव्या हमसे धोखा थमा गई थी। वो पहले से जानती थी कि मैं घर को सर्प रक्षा कवच में बांधने वाला हूं और इसलिए उसने आदि को पहले से ही सर्प बना दिया। इसका मतलब माँ ने अपने फायदे के लिए आदि का इस्तेमाल किया? पिया, पिया, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हमें अंश को ठीक करना है जल्दी से। निशान जी, कोई तो तरीका होगा, कोई तो हल होगा, प्लीज सोचिए ना।
कोई तो तरीका होगा अंश को बचाने का। सांप के जहर का इलाज होता है, लेकिन इस सर्प अंश का इलाज लगभग नामुमकिन है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? आपके पास सांप के जहर का कोई कार्ड तो होगा ना? हाँ गुड़िया, लेकिन ये कोई आम सांप नहीं है। अंश को आदि ने काटा है। वैसे ही आदि के पास इतनी सारी शक्तियां हैं और उसके ऊपर उसे अब सर्पिका वाली शक्तियां भी मिल गई हैं। जहां तक मुझे पता है कि अंश को ठीक करना आसान नहीं होगा। ये लीजिए, मंदिर में पड़ा था। लगता है ये मड़ी हमारे पास नहीं आना चाहती। अब क्या करें? देखा कितने समझदार है ना हम मणि को नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस आदमी को तो जरूर लेके जा सकते हैं। चलो। अरे बस बस बस, बहुत मेहनत हो गई तुम दोनों से। इतनी मेहनत तो अच्छी नहीं लगती तुम लोगों से यार। पतिदेव जी। अरे मिसेस जी, थोड़ा हमको देर तो लगा, लेकिन आए हैं तो दुरुस्त आए हैं, एकदम निशाने पे सटीक। बहुत हुआ सम्मान आप दोनों का। चुपचाप इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो ये तीर चल गया ना एक बार तो दोनों के आर पार हो जाएगा। और फिर मिसेज जी, आप जो इन नैनों से तीर चलाती हैं ना, ये तो आपका सपना ही रह जाएगा। छोड़िए उसको। सुनिए, एक बार कह रहे हैं आपसे, छोड़ दीजिए वरना आपके और हमारे रिश्ते का लिहाज भी नहीं करेंगे। छोड़िए उसको। और पीछे ए चिल्लर आंटी, आपको का इनविटेशन देना पड़ेगा हैं? चलिए पीछे, लुक मत दीजिए, पीछे चलिए पीछे, एकदम बैक फुट पे खड़े रहना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।